इनको सूत्र आता था के क्यू माइनस स्क्वायर, ये कैसे काम करते सर, इनको आवेश होता है क्योंकि केंद्र पर रखा होता है, तो सारे यहां बुला के केंद्र पर ले जाओ, बस ऐसे सोचना। इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन नंबर 29 तो मैंने स्टार्ट की पहली क्लास में करवा था, पहली क्लास में पल वाले भी ये 29 वाला नहीं बताने का लायक है, 30 देखो बस, ये अच्छा सवाल है, 27 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैठे ये शीट ले रखी है, ये बायो की शीट है, शीट ले रखी, इस पे पेंडुलम दे रखा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा क्यू ई, टेंशन आएगी टी, एंगल थीटा ये भी थीटा, एम जी लगेगा, तो जो टी साइन थीटा आएगा, जो टी तो टी साइन थीटा बराबर और ई की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन है ना, कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देना, ये तो बोला ना लार्ज कंडक्टिंग शीट, वैसे भी समानुपाती पूछा तो इसमें तो टू और भी कट भी जाएंगे। अच्छा अब यहां इसमें आ जाओ, टी कोस थीटा बराबर एम जी, दोनों को डिवाइड करा, टेन थीटा किसके समानुपाती आया, सिग्मा के, बस सिग्मा ही पूछा किसके समानुपाती, टेन थीटा समानुपाती सिग्मा के, तो सिग्मा समानुपाती टेन थीटा के, यानी कि डी ऑप्शन। ये सवाल पूछने लायक था क्या, मेंस में आया भी ऐसा सवाल, 31 वाला एडवांस में आया सवाल है, 31 वाला एडवांस में आया सवाल है, समझ लो। ये कह रहा है कि कंडक्टिंग लिक्विड बबल ऑफ रेडियस ए एंड थिकनेस टी इज चार्ज टू पोटेंशियल बी, बबल है, बबल का मतलब क्या हुआ, खोखला बोला, इसका चार्ज दे रखा है कुछ, इसका पोटेंशियल वी है, रेडियस होगी कुछ ना कुछ इसकी दे रखी है, लेकिन इसकी मोटाई दे रखी इसने, इसकी मोटाई कितनी दे रखी, टी दे रखी, ये बबल है बुलबुला है, इसका पोटेंशियल वी, तो पोटेंशियल क्या लिखते हैं, के क्यू बाई ए, लेकिन उसने चार्ज दिया हुआ, पर यहां से निकाल तो सकते हैं ए बी बाई, ये दे रखा ये दे रखा, ये पता ही चार्ज पता लग गया। अब ये कह रहा है कि इस बूंदे को फोड़ दिया, फोड़ देने के बाद बूंद बना दी इसकी, बूंद छोटी बनेगी, तो इस पूरे को तोड़ करके पूरी बूंद बन गई, इसकी त्रिज्या बदल गई होगी, लेकिन जितना आयतन इस बूंदे का होगा वही आयतन बेसिक में, तो इसका आयतन क्या लिखा जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, इसका आयतन कितना लिखोगे, सरफेस एरिया इनटू मोटाई, सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, मोटाई इतनी थी तो यहां से आर निकल जाएगा, 4π से 4π तो आर क्यूब बराबर ए स्क्वायर टी अपॉन इनटू 3 और उसकी पावर 1/1, ये रेडियस आ गई। अब बोल रहा है कि तो इसका पोटेंशियल क्या आ रहा, वी डैश, वो क्या आएगा, के क्यू अपॉन, चार्ज तो बदलने वाला नहीं, चार्ज संरक्षित है ना, चार्ज तो वही है, तो के क्यू की वैल्यू लिख लो, के क्यू बराबर कितना, ए यहाँ पे भी लगो और आर की वैल्यू ये, बस आगे सोल्व कर लो उसको, समझ में आया क्या, तुम कितना बैठेगा जरा बताओगे, 3t आ रहा है, ए अपॉन 3t की पावर कितनी बैटरी भाई, कौन सा ऑप्शन है बताओ, तो 1/3 बैठ जाएगा, अरे ये की पावर 2/3 माइनस करेंगे 1 - 2/3 1/3 बचेगा, तो सब 1/3 बैठ गया, तो ये अच्छा सवाल, और 32 वाला क्लास नोट्स में करा रखा भाई, 32 पे लिख लो क्लास नोट्स, खत्म फिनिश। अरे कल तुम दे रहे भाई कितनी देर की ले ली टाइमिंग, जब भी लास्ट क्लास होगी आपकी